हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं यू सेल्फ यूनिक। गाइस आज का वीडियो थोड़ा अलग है, सो आई रिक्वेस्ट, मैं बहुत कम ऐसा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उसका रीजन ये नहीं कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, इसका रीजन ये है कि एक एक चीज को समझना है कि अगर आप बीम में अपने करियर को देखना चाहते हो, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में अपने करियर को देखना चाहते हो या फिर स्ट्रक्चर में अपने करियर को देखना चाहते हो, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज लैपटॉप। और आज मैं उसके बारे में फिर से बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 5 से 6 वीडियोज बना चुके हैं इस पर, बट फिर भी मैं देखता हूँ मैक्सिमम डेली 2 से 3 मैसेज जरूर आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, कौन सा लूँ। कुछ इंपॉर्टेंस है जिसमें आपको इसको मानना चाहिए, आपका ही बेनिफिट होगा और साथ ही साथ मानो या न मानो इसको समझो टेक्निकली कि क्यों ये लैपटॉप्स लेने चाहिए। किसी का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, सो इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। जो जेन्युइन लैपटॉप है जो मैं प्रैक्टिकली यूज कर रहा हूँ, आप सबको पता है मेरे पास 6-7 लैपटॉप मैं यूज कर चुका हूँ अब तक, तो वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं छोटी से छोटी चीज को कि हमें क्या क्या लैपटॉप में रिक्वायरमेंट है और क्यों रिक्वायरमेंट है उसकी, इस चीज को समझते हैं। गाइस अगर आप सबको पता है तो बीम के अंदर हम लोग रेविट सीखते हैं, नेविस्वर सीखते हैं, स्केचअप सीखते हैं, टेक्ला सीखते हैं, राइट? इतने हैवी सॉफ्टवेयर सीखते हैं। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे बड़े बड़े जो गेम हैं उनको, अगर जो बड़े बड़े गेम हैं उनको अगर हम 5,000 रुपये के मोबाइल में इंस्टॉल कर लें तो पहली बात तो रन नहीं होगा, रन होगा तो इतना तेज हैंग करेगा। तो अगर आप किसी से रेस करोगे, मैं गेम खेलता नहीं मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट अगर किसी से कम्पटीट करोगे तो 5,000 वाली मोबाइल से पॉसिबल नहीं है, ये डन है। ऐसे ही सेम लैपटॉप है, ठीक है, रेविट, टेक्ला, 3ds मैक्स, ये सब बड़े बड़े HD के गेम्स हैं। इनमें आपको अच्छा से अच्छा वर्चुअल शेप देना है, एक अच्छा सा रेंडर लुक देना होता है, तो इसके लिए बेहतरीन लैपटॉप नहीं है तो आपका काम होगा ही नहीं, ये 110% फिक्स है। ये थोड़ा सा अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ तो इससे पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, छोटा सा चाहे तो आप गिफ्ट मुझे दे दीजिए। हमने एक फिर से मेरे माइंड में ऐसा प्लान आया है, एक्चुअली प्लान बहुत दिन से था, अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उस प्लान को। मेरा जो ये आकाश पांडे वाला चैनल है इस पर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, थोड़ा अलग कैसे, अपने जो सिविल के जो बड़े बड़े टाउनशिप्स हैं, ठीक है, और जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, साथ ही साथ सिविल के जो भी अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, मैं उनको कवर करना चाहता हूँ, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग के मॉडल में बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो इसमें मुझे बहुत लर्निंग को मिलेगा, आपको बहुत लर्निंग को मिलेगा। मैं जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े मस्जिद हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, जितने भी सिविल के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं उनको मैं ब्लॉक के शेप में लेना चाह रहा हूँ। ऐसा ही एक यहाँ पर देखो आपके सामने मगरपट्टा सिटी है, IT पार्क है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ। सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि मुझे सपोर्ट करना, ऐसा अभी सिविल में ब्लॉगिंग के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग सीखने को मौका आप लोग को नहीं मिला होगा, शायद ही मैं पहला, मेरा ये स्टार्ट है कि मैं ये सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोग सहयोग करते हो, सहयोग क्या करना है यार, आपका क्या लगने वाला है, आप सिर्फ लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च कर लो आकाश पांडे चैनल और इस पे जाके इस चैनल पे कमेंट कर लो। और अगर आपको लगता है कि सर ये काम अच्छा है तो यार अपने व्हाट्सएप पे 2 मिनट लगेगा, स्टेटस लगा लेना, कई लोगों तक ये पहुँच जाएगा। तो मेरा मेन एम क्या है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें बनी हुई हैं उनसे क्या प्रैक्टिकल लर्निंग हम लोग ले सकते हैं, उसे अपने डिजाइनिंग फील्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, वो मेरा एम है। देखते हैं आप लोग कितना उसको पूरा करते हो, आपका सहयोग चाहिए इसके लिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको जरूर सपोर्ट करना, कमेंट करके बताना तो मुझे याद भी रहेगा कि हाँ यार इतने लोगों ने सपोर्ट किया। चलिए थैंक यू, अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन काम। तो गाइज ये याद रखना कि सिविल में कोई भी अगर सस्ता लैपटॉप लेते हो तो आपका काम नहीं हो पाएगा, आपका मिनिमम बजट होना चाहिए 60,000 रुपये। कितना मिनिमम होना चाहिए? 60,000 रुपये। आप बोलोगे सर 60,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, करेक्ट बोल रहे हो, आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, बट मुझे कई ढेर सारे बच्चे बोलते हैं, कई मतलब मैसेज भी करते हैं कि सर यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जो कि 70,000 रुपये ले रहा है बीम का कोर्स का, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जो 60,000 रुपये ले रहा है बीम का कोर्स का, मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लूँ क्या, आपका कोर्स इतना सस्ता है तो आप क्या कुछ पढ़ाते नहीं हो क्या उस पर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मैं बता दूँ दोस्त, आप जो 60,000-70,000 रुपये इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देने जा रहे हो, कॉर्पोरेट पे देने जा रहे हो, वो लैपटॉप पे अगर दे दोगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप लोग सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लैपटॉप सही है तो आप प्रैक्टिस करोगे, अगर लैपटॉप हैंग करेगा तो प्रैक्टिस करोगे नहीं, और ये 110% फैक्ट है कि बीम के अंदर जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है वो चाहे 70,000 इंस्टीट्यूट में फीस भर के आ जाए, चाहे 60,000 भर दे, चाहे फिर USA में जाके वहां पर 2 साल का डिप्लोमा डिग्री करके आ जाए, कुछ नहीं होगा,
सिर्फ और सिर्फ बीम के अंदर काम जो देती है वो देता है कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास ऐसे बेहतरीन लैपटॉप होंगे। सो अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपको मैं ये पहला लैपटॉप प्रीफर करूँगा। ये लैपटॉप किस परस्पेक्टिव से आपको बता दूँ, लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों कर सको ऐसा लैपटॉप आपको बता रहा हूँ। मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी कर सको और साथ ही साथ सीख भी सको। अब ये वाला लैपटॉप नहीं बता रहा हूँ कि काम चलाने वाला तो आपके पास होगा, नहीं भी होगा तो आप एडजस्ट कर लोगे। तो ये सारे लैपटॉप जो है इनके रेटिंग मैंने देखे हुए प्लस मैक्सिमम मैंने यूज किए हुए, कुछ मेरे स्टूडेंट्स यूज किए हैं। तो सबसे सस्ता जो बजट में और अच्छी चीज़ हमें मिला वो मिला यहाँ पर आसूस का लैपटॉप है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या लगा कि जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4GB ग्राफिक्स कार्ड है। क्या है 4GB ग्राफिक्स कार्ड है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है भाई। ग्राफिक्स कार्ड के बिना आपका रेंडर करोगे क्वालिटी ही नहीं दिखेगी रेंडर की, लैपटॉप हैंग करेगा। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ मुझे चाहिए वो चाहिए 8GB रैम। तो 8GB रैम आपके लिए कंपलसरी है तो वो यहाँ पर मिल जा रहा है, साथ ही साथ 4GB ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल ही जा रहा है। विंडो 10 मिल रहा है, विंडो 10 आजकल खुद ही अपडेट होकर विंडो 11 हो जा रहा है, सो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है SSD अगर रहता है तो आपका लैपटॉप जो होता है जल्दी से खुल जाता है, जल्दी से ऑफ हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो 512GB इसमें SSD है। कुछ लोग सोचेंगे 512GB सर सफिशियंट नहीं है क्या? हाँ जी सफिशियंट है 512GB। आपको अगर अलग से कोई मूवी वूवी भरना है तो अलग बात है, फिर 5000 रुपये का हार्ड डिस्क खरीद लेना खूब मूवी भरना, लेकिन काम करने के लिए 512GB SSD दैट इज सफिशियंट। ठीक है जी, तो ये लैपटॉप जो है ये 60,000 में है और जो इसके मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े सभी पॉजिटिव ही है। ये मेरा एक स्टूडेंट था उसने ये खरीदा था तो उसका भी रिव्यू पॉजिटिव था, उसने बताया था कि सर मेरा ये अच्छा चल रहा है इसलिए मैं आपको ये रिफ़र कर रहा हूँ। दूसरा जो लैपटॉप है इससे थोड़ा ज़्यादा बजट का है, लेकिन अगर आपका एकदम लो ग्रेड का बजट है तो भाई लो ग्रेड का बजट 60 के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीम में लैपटॉप का ही पूरा रोल है। जिसने लैपटॉप अच्छा खरीदा है वो ढेर सारी प्रैक्टिस करेगा वही परफेक्ट बनेगा, न कि वो जो कि बड़े बड़े फीस दे के बैठा हुआ है और प्रैक्टिस नहीं कर रहा। ये पूरा गेम ही प्रैक्टिस का है दोस्त, प्रैक्टिस बस। चलो दूसरा जो लैपटॉप है वो है HP का ही दूसरा लैपटॉप, यहाँ पे HP का दूसरा लैपटॉप है। अगर आपका जो बजट है, अगर आप चाह रहे हो कि सर गेमिंग लैपटॉप मुझे नहीं चाहिए ऐसे, तो अगर आपको नॉर्मल लैपटॉप चाहिए और हाई कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए जो कि आपको अच्छे से वर्क करने में हेल्प करे, तो आप HP पवेलियन का ही यहाँ पर एक लैपटॉप यूज़ कर सकते हो। ये भी 512GB SSD है और साथ ही साथ इसमें 16GB रैम है। ठीक है, 16GB रैम है। ये स्ट्रक्चर वाले यूज़ करेंगे तो उनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इसमें 2GB ग्राफिक्स कार्ड है। कितना है? 2GB ग्राफिक्स कार्ड है। और तो मतलब है तो सफिशियंट बीम वालों के लिए भी, बट बीम वालों के लिए मैं रिफर दूसरा लैपटॉप अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा करना चाहिए। स्ट्रक्चर वालों के लिए बेस्ट लैपटॉप है और सबसे अच्छी चीज़ है कि थोड़ा स्लिम है, और जैसे कि गेमिंग लैपटॉप, मेरा भी गेमिंग लैपटॉप है तो थोड़ा सा मोटा होता है कंपेयर टू ये लैपटॉप, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका बजट आपका जो जा रहा है वो 80,000 के आसपास जा रहा है। ऑफर वगैरह, हाँ कई लोग सोचेंगे सर ऑनलाइन लूँ कि ऑफलाइन लूँ, तो ये याद रखना कि लैपटॉप हमेशा, मैंने जॉब तक में लिए मेरे लगभग 6 लैपटॉप हो गए, केवल पहला लैपटॉप जो मुझे पता नहीं था तो मैंने ऑफलाइन लिया था, बाकी सारे लैपटॉप मैंने ऑनलाइन लिए। रीज़न, ये लैपटॉप अगर आप सपोज इस लैपटॉप को लेने जाओगे मार्केट में, हमेशा फिक्स है कि 5,000-4,000 रुपये महंगा मिलेगा। अब लोग सर वो महंगा क्यों देंगे? वो महंगा इसलिए देते हैं क्योंकि उनके दुकान का रेंट होता है, उनके दुकान पर किसी न किसी लेबर को, किसी न किसी इंजीनियर को हायर किया है, तो वो सारी कॉस्ट जुड़ जाती है, प्लस उसका खुद का प्रॉफिट भी वहाँ पर जुड़ जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी जुड़ता है, बट कंपेयर टू वहाँ, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। लगभग आप इसमें कम से कम 3,000-4,000 रुपये पर लैपटॉप बचाओगे। और रही बात, कुछ बच्चे होंगे जो भी फ्रेशर होंगे सोचते होंगे सर पता नहीं सही से सब आएगा कि नहीं लैपटॉप, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, 100% सबको सही से आता है, सो उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तीसरा जो लैपटॉप मैं प्रीफर करूंगा आपके लिए, अगर आप सोचते हो कि सर मुझे डेल नहीं लेना, सॉरी HP नहीं लेना और आसूस भी नहीं लेना, तो तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है डेल का। ठीक है, डेल मैं प्रीफर करता हूँ, डेल मेरे पास है भी, खुद भी आप लोगों ने देखा भी है, पुराने वीडियोस मैंने दिखाया है। इसमें भी 4GB ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 512GB SSD मिल जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, और 16GB रैम भी मिल जाता है। 16GB रैम का एक बेनिफिट ये होता है कि फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए दूसरा लैपटॉप खरीदने का टेंशन खत्म। एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आप चाहे बड़े बड़े अपार्टमेंट भी डिज़ाइन कर लो वो भी आपके इसमें हो जाएंगे। 8GB में बाद में आपको बढ़वाना पड़ता है, और ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 2,000-3,000 रुपये लगते बढ़वाने में, तब जाके अपार्टमेंट वगैरह को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। 16GB ले लोगे एक बार, आपको थोड़ा सा कष्ट होगा मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है आपके लिए।
तो इसमें भी सारे वही टूल्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। मैंने सारा कुछ स्टडी कर लिया है, आपके बीम के सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर दौड़ेंगे, इसका गारंटी मेरा है, ठीक है। तो ये आपका कितने का 82 का आप ऑफर वगैरह लगा लीजिए, लगभग 80,000 रुपये का ये आ जाएगा लैपटॉप। तीसरा लैपटॉप ऑप्शन ये है, पहला आपको मैंने बताया एकदम अगर स्लो बजट है आपका कि भाई इसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते, तो 60,000 का ये आपको मिल जाएगा, ऑफर वगैरह लगा के थोड़ा कम ही पड़ेगा। और अगर आप स्ट्रक्चर्स के लिए ले रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि गेमिंग मोटा लैपटॉप नहीं चाहिए, स्लिम लैपटॉप चाहिए, वो मैकबुक वाली फीलिंग लेनी है, तो आप HP का पवेलियन सीरीज का ये लैपटॉप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर डेल आपको, मतलब डेल वैसे अब बेहतरीन ही है, ठीक है, और आप बेहतरीन उनके लिए है जिनके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ को ले सकते हो। सेम चीज़ को कम बजट में भी मैं दिखाता हूँ कैसे ले सकते हो आप, HP का पवेलियन सीरीज। यहाँ पर ये इसका 4GB ग्राफिक्स कार्ड होता है और विंडो 10 है और 512GB SSD है, तो ये भी लैपटॉप काफ़ी बेहतरीन है। अगर आपका बजट थोड़ा सा स्लो है तो आप 77,000 का ये ले सकते हैं, अगर ऑफ़र वगैरह लगाएंगे तो आपको 1,850 ऑफ करके मिल जाएगा ये। इसके बाद है जो दूसरा लैपटॉप है वो यहाँ पर बहुत बेहतरीन है, दैट इज HP पवेलियन। ये मेरा लैपटॉप है, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ वो लैपटॉप है जिसपे ये वीडियो बन रहा है, HP पवेलियन सीरीज। 4GB यहाँ पर रैम है, 8GB रैम है इसमें और 512GB SSD है और RTX 4GB ग्राफिक्स कार्ड है। मेरे में बस इतना अंतर है कि मेरा 16GB रैम है, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, अच्छे से रन हो रहे हैं। मैं लगभग सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा, और खूब अच्छे से रन हो रहा है मेरे 82,000 का था शायद, ठीक है। तो ये भी आप लैपटॉप ले सकते हो, HP पवेलियन मेरा फेवरेट अगर तुम बोलोगे तो यही है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन रन हो रहे हैं, प्लस 1.5 साल हो गया टचवुड की, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया इस लैपटॉप में, तो आप इस लैपटॉप को भी प्रीफर कर सकते हो जी। अब आप बोलोगे सर मुझे 16GB रैम वाला डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, बढ़वाने का टेंशन ही नहीं रहे? हाँ जी रहे, मिल जाएगा आपको 16GB रैम। हाँ एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर नीचे आओगे तो ये देखो इसका ये सेम सीरीज का 16GB रैम विंडो 10 अगर आप लोगे तो 89,000 इतने का पड़ जाएगा आपको, मेरा लगभग यही था, ऑफर वगैरह लगा के थोड़ा सस्ता पड़ गया था। और अगर आप इससे भी हाई कॉन्फ़िगरेशन का लेना चाहते हो, जो कि मतलब क्या बोलते हैं सर खत्म को कौन सा है यार ये वाला रहेगा, ये 93,000 का है, बेस्ट लैपटॉप है, 16GB रैम है, 512GB SSD है, कुछ सोचना ही नहीं, 4GB ग्राफिक्स कार्ड है, चाहे जो चलाओ सब बेहतरीन तरीके से चलेगा और ये लैपटॉप काफ़ी बेहतरीन है। और इन दोनों के मिड में लोगे तो ये, आप बोलोगे सर सारे लैपटॉप आप HP पवेलियन के क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि HP पवेलियन पे मुझे भरोसा है, 1.5 साल से फिर से बोलूँगा चला रहा हूँ, मेरा लैपटॉप खुद का HP पवेलियन है। तो HP पवेलियन का आप कोई भी लैपटॉप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, बस इतना याद रखिए कि 16GB रैम आपको वहाँ पर मिल जाए, SSD मिल जाए वहाँ पर, और 4GB ग्राफिक्स कार्ड मिल जाए। आप बोलोगे सर 8GB ग्राफिक्स कार्ड पे काम नहीं हो जाएगा, सॉरी 8GB रैम पे काम नहीं हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, 8GB रैम मिनिमम होना ही होना चाहिए, उसके नीचे मत जाना बस। HP पवेलियन मेरा प्रेफरेंस, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर कौन सा लूँ, तो मेरा कहना है HP पवेलियन। बट अगर आप HP पे बिलीव नहीं करते तो डेल के मैंने एक लैपटॉप इधर दिखा दिया, एक लैपटॉप डेल का बेहतरीन लैपटॉप ये भी है, लगभग सेम कॉन्फ़िगरेशन है इसका भी, 4GB रैम है इसका भी और 16GB रैम है, 512GB SSD है और उसके बाद विंडो 10 है, तो मतलब ये लैपटॉप भी काफ़ी बेहतरीन है। इसके रिव्यू भी मैंने पढ़ ही रखे थे, जब वीडियो बनाने से पहले मैंने सारा का रिव्यू पढ़ा। बट अगर लास्ट फिर बोल रहा हूँ कि मेरे से बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि आप ये वाला लैपटॉप प्रीफर करो, ठीक है, और इसमें भी अगर थोड़ा सा बजट अगर बढ़ा लोगे तो नीचे आना, उसमें वो दिया है ना कम वाला, ये वाला कर लेना, 89,000 का है, थोड़ा महंगा तो है बट इससे आपको क्या होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको दूसरा कोई लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, याद रखो। और होप आपको समझ में आया होगा कि अब क्लियर भी हुआ होगा कि यार क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है लैपटॉप के अंदर। देखो प्रोसेसर में अगर राइजन ले लेते हो तो दैट इज बेस्ट, इसमें सारे में राइजन प्रोसेसर ये लगभग, और साथ ही साथ थोड़ा समराइज कर दे रहा हूँ आपको, 16GB रैम फिक्स है कि आपको चाहिए, 4GB ग्राफिक्स कार्ड चाहिए और 8GB रैम भी चल जाएगा, लेकिन जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल प्रोजेक्ट लोगे तो 8GB रैम में भाई आपका लैपटॉप स्लो चलेगा। फिर भी वो अच्छा है कि भाई जो दूसरे छोटे छोटे लैपटॉप हैं जिनमें प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, उनसे वो बेहतरीन है। चलिए होप आपको क्लियर हुआ होगा कि HP पवेलियन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए लैपटॉप में,
और मेरे लिए तो भाई यही है। अगर आप डेल में जाना चाहते हो तो डेल का ये लैपटॉप भी है मुझे अच्छा लगा और दूसरा ये भी अच्छा लगा। आप बोलोगे सर इन जितना आप बता रहे हो सबके बजट बहुत ज़्यादा है, तो भाई लास्ट ऑप्शन आपके पास है। अगर बेस्ट में मतलब कुछ बुरा नहीं है इसमें, सब कुछ बेहतरीन है, आसूस का लैपटॉप ले लो, सेम सब कुछ है, सेम सारे चीज़ें हैं इसके अंदर, बस ब्रांड का नाम यहाँ पर आसूस हो गया है, जिसकी वजह से वो 74 का और ये 60 का 14-15 हज़ार रुपये का फर्क पड़ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे स्टूडेंट चला भी रहे हैं। चलिए आपको अच्छा लगा होगा तो क्या बोलते नीचे कमेंट करके बताइएगा सर मेरे पास ये लैपटॉप है। जो भी आपके पास लैपटॉप है लैपटॉप नंबर बताना और अच्छा चल रहा है क्या थोड़ा रिव्यू दे देना हमको, जिससे कि हमको नहीं जो लोग कमेंट पढ़ेंगे उनको भी बेनिफिट होगा कि हाँ यार ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने सारे लैपटॉप आपके सामने रख दिए, अब इसमें से आप चूज करिए और अपना जो भी अगर चला रहे हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। लास्ट में फिर से आपको रिकॉल करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि जितने भी सिविल के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक के मॉडल में मिले और उसमें कुछ सिविल की लर्निंग मिले तो आप इसको प्रीफर करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और प्लस मेरे लिए डेफिनेटली होगा कि आप एक तरीके से समझिए तो आप हमें गिफ्ट दे दिए, तो ये गिफ्ट होगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर इसको स्टेटस लगा देंगे व्हाट्सएप पे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।